Assalamualaikum everyone. This is Fatma Umar Farooq here, and today we are going to discuss psychodynamic approach. So, what do you mean by word psychodynamic approach? In Urdu, it is known as nafse harki. Niyat se wabasta ke alfaz bhi iske liye istemal kiye jate hain. So, first of all, I'm going to discuss with you guys that what does psychodynamic approach actually mean? Like, kaun sa khazana ye apne andar chupa ke baithi hai ke पूरी साइकोलॉजी की पूरी तमाम की तमाम साइकोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें इस अप्रोच से शुरू होती हैं। सो साइकोडायनेमिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड वाज एन ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट। सो नियत से वाबस्ता, नियत अमाल का दारोमदार नियत पर है, ये जुमला हमने अक्सर सुना है। आखिर इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। Psychodynamic approach says that human functioning is based upon interaction of drives, forces within the person unconsciousness, and different structures of personality. Let's start the further introduction. Like I have given you that human motives, inside drives, all these made psychodynamic approach. The psychodynamic theory is a psychological theory, like I have informed before you guys. Sigmund Freud, from 1856 to 1939, he died in 1939, and his followers worked a lot on this field, and all they explain about the origins of human behavior. Why, how, what's the reason behind it? All these things come in this theory. The word psychodynamic and psychoanalytic are often confused. To be very honest, I was confused also about them. Remember that Freud theories, all the Freud work are known as psychoanalytic, and the term psychodynamic refers to both the Freud theories and the people who follow him, their theories. Like you can say, फ्रॉइड के काम यानी फ्रॉइड की बनाई गई थ्योरीज, उसकी पेश करदा तमाम चीज़ें साइकोएनालिटिक कहलाती हैं, जबकि साइकोडायनेमिक में फ्रॉइड और उसके साथ जो काम करने वाले थे उनकी जो चीज़ें थी वो तमाम चीज़ें उनकी पेशकश जो तमाम उनकी चीज़ें थी वो सब मिला के साइकोडायनेमिक बनता है। साइकोएनालिसिस इज थ्योरी एंड अ थेरेपी एज वेल। नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट अमाल का सारा दारोमदार नीयत पर है। हम क्यों कहते हैं कि वट एवर वी डू वी हैव अ मोटिव बिहाइंड इट। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। यू मस्ट नो ह्यूमन माइंड इज डिवाइड इनटू थ्री थिंग्स। ह्यूमन माइंड अल्लाह ताला की तरफ से तीन चीज़ों में डिवाइड है, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। सब कॉन्शियसनेस इज द बैरियर बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है? बेसिकली जो चीज़ें आपके प्रेजेंट में मौजूद हैं, जो आपके सामने हो रही हैं, जो आपको याद है, ये सारी चीज़ें आपके कॉन्शियसनेस में आती हैं। सब कॉन्शियसनेस में आपकी सारी एक्सेबल इंफॉर्मेशन, लाइक व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ इज इन कॉन्शियसनेस। व्हाट्स योर मदर्स नेम, व्हाट्स योर फोन नंबर, व्हाट हैव यू ईटन इन द ब्रेकफास्ट, ऑल दीज कम थिंग्स कम इन सब कॉन्शियसनेस। एंड अनकॉन्शियसनेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ of our brain especially, it's the library. जिस तरीके से library में तमाम किताबें store होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी जिंदगी के तमाम वाकयात जो अब हमें याद नहीं है लेकिन हमारे दिमाग में मौजूद हैं, वो सब जाके unconsciousness में store हो जाते हैं। Freud कहता था कि ये हमारा दिमाग एक iceberg की तरह है। Iceberg क्या होता है? Iceberg कहते हैं, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, iceberg कहते हैं एक समंदर के अंदर बर्फ के पहाड़ को। वो ऊपर से दिखता, हम जब उसको दूर से देखते हैं तो वो हमें लगता है छोटा सा जो है वो चोटी टाइप बनी हुई है, वो एक है छोटा सा बस ऊपर से दिख रहा है। जब हम थोड़ा और करीब जाते हैं तो हाँ भाई थोड़ा पानी के अंदर तक भी है, लेकिन जब हम उसको और करीब से देखते हैं तो हम देखते हैं वो पूरा पानी के अंदर तक कई गहरी, बिल्कुल बहुत गहरा, बहुत फैला हुआ होता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा दिमाग भी होता है। हमारे दिमाग के अंदर जो हिस्सा बहुत छोटा हमें ऊपर ऊपर तक जिसमें हालिया मौजूदा चीज़ें जमा होती हैं वो कॉन्शियसनेस होती है,
जब जिस वो चीज जिसके अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जो हमने थोड़े वक्त पहले की होती है, यानी वो चीजें जो हमें जरूरत के वक्त काम आने वाली होती हैं वो सब कॉन्शियसनेस में होती हैं। हमारा फोन नंबर, हमारे घर का पता, ये सारी चीजें। और वो चीजें जो हमारे साथ पेश आ चुकी होती हैं लेकिन हम उनको जो है वो याद नहीं रख पाते, वो सब अनकॉन्शियसनेस में चली जाती हैं। साइकोडायनेमिक इज ऑल्सो नोन एज साइकोडायनेमिक साइकोलॉजी। साइकोडायनेमिक साइकोलॉजी इम्फसाइजेस अपॉन द सिस्टमैटिक स्टडी साइकोलॉजिकल फोर्सेस दैट अंडरली ह्यूमन बिहेवियर, फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड हाउ माइट दे रिलेट टू अर्ली एक्सपीरियंसेस। फ्रॉइड कहता था कि इंसान की जो शख्सियत होती है वो उसके बचपन में ही बनती है। यानी एक बच्चा जो बचपन में सीखता है, देखता है, याद करता है, समझता है, वो बिल्कुल उसी तरह आगे जाके अपनी पर्सनालिटी, अपनी शख्सियत बना लेता है। इट इज ऑल अबाउट रिलेशन बिटवीन कॉन्शियस मोटिवेशन एंड अनकॉन्शियस मोटिवेशन। जैसे हमने पढ़ा पीछे, यानी जो हम डिस्कस कर रहे थे इस चीज के बारे में कि कॉन्शियसनेस जो हमारी जो एक हमारी पावर होती है जो हम मौजूदा सूरत में चाह रहे होते हैं कि हाँ भाई हम ये कर सकते हैं, और एक हमारा अनकॉन्शियस होता है जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हमें याद नहीं होते लेकिन वो हमें पीछे से फोर्स कर रहे होते हैं कि हाँ भाई हम ये कर सकते हैं, हमने पहले भी तो किया हुआ है। इस टाइप की चीजें अनकॉन्शियसनेस मोटिवेशन में आती हैं। फ्रॉइड बेसिकली उसके पास बहुत सारी थ्योरीज थी, लाइक अ कलेक्शन ऑफ थ्योरीज व्हिच हैव फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइकोडायनेमिक अप्रोच। फ्रॉइड ने बहुत सारी थ्योरीज जो है वो डेवलप की थी साइकोडायनेमिक अप्रोच की बेस के ऊपर, एंड दे ऑल आर क्लिनिकली ड्राइव। यानी ये लाइक दे वर ऑल प्रैक्टिकल, और ये सारी चीजें वो उसका एक्सपीरियंस इस चीज के ऊपर कैसे आया कि जब उसके पास पेशेंट्स आते थे, जो क्लाइंट्स जिनको हम कहते हैं, जब वो क्लाइंट्स आते थे वो उनके साथ जो एक्सपीरियंस करता था, उसकी फ्राइड की सारी थ्योरीज उसके एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड हैं। लाइक अब हम यहाँ जानना चाह रहे हैं कि साइकोडायनेमिक अप्रोच कहती क्या है, लाइक क्या ये इतनी ज्यादा इतना पावरफुल चीज है कि हम साइकोलॉजी में आगे बढ़ ही नहीं सकते साइकोडायनेमिक को जाने बगैर। आर बिहेवियर एंड फीलिंग्स आर पावरफुली अफेक्टेड बाय द अनकॉन्शियस मोटिव्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि हम क्या कह सकते हैं कि भाई हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमारे जो जज्बात होते हैं, हमारा जो अमाल, हम जो काम करते हैं, ये पावरफुली अफेक्टेड होते हैं हमारे अनकॉन्शियस मोटिव से। यानी वो चीज जो हमारे दिमाग में, हमारे अनकॉन्शियस में कहीं ना कहीं मौजूद है, ये हम जो काम करते हैं ये सारे उसी वजह से कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड इन 1915, द अनकॉन्शियस माइंड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लाइक एन आइसबर्ग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइंड इज द पार्ट यू कैन नॉट सी एग्जैक्टली। अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आवर फीलिंग्स, motives and decisions are actually powerfully influenced by our past experiences and stored in the unconscious. हमारे साथ बचपन में कोई हादसा पेश आता है जो हमें अब आगे जाके याद नहीं रहता, लेकिन वो हादसा, इसकी हम मिसाल ले लेते हैं कि अगर एक बच्चा है वो एक आइसक्रीम लेने खरीदने जा रहा है और उस आइसक्रीम खरीदने के दौरान रास्ते में वो कहीं गिर जाता है, उसको बहुत बुरी चोट लगती है। वो कहते हैं कि उसके दिमाग में इस चीज़ का असर हो जाता है, यानी वो एक किस्म का उसके दिमाग में बैठ जाता है कि मैं आइसक्रीम लेने गया तो मुझे चोट लग गई थी। ये चीज़ आगे जाके वो भूल जाएगा, वो जख्म भर जाएगा, उसको वो चीज़ ये याद नहीं रहेगी, लेकिन उसके अनकॉन्शियस में ये वाकया हमेशा रहेगा। और जब भी वो आइसक्रीम खाने लगेगा, या तो वो आइसक्रीम खाना छोड़ देगा, या तो वो कहेगा कि पता नहीं क्यों मुझे, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आइसक्रीम लेने जाऊँ, मेरा बिल्कुल उस वो जब उस कहीं वो जाता है, लोग कहेंगे जो हमें आइसक्रीम ला दो, वो कहते हैं नहीं मैं नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वो उसका ये जो पास्ट एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उसके प्रेजेंट और जो उसके फ्यूचर एक्सपीरियंसेस हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। आर बिहेवियर एंड फीलिंग्स एज एडल्ट्स इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर रूटेड इन आर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस की एक आइसक्रीम वाली मिसाल, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो चीजें हमारे साथ बचपन में होती हैं वो आगे जाके हमारी शख्सियत का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाती हैं। एक पौधे की मिसाल हम लेते हैं, जो पौधा पूरा अपनी जड़ों के ऊपर बेस होता है, उसकी जो रूट्स होती हैं वो उनके ऊपर खड़ा हुआ होता है।
अगर उसकी उसकी रूट्स यानी जड़ें ही कमजोर होंगी तो पौधा खड़ा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक चाइल्डहुड, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, चाइल्डहुड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी पर्सन। साइकोडायनामिक थ्योरी स्टेट्स दैट इवेंट्स इन आर चाइल्डहुड हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन आर एडल्ट लाइफ, शेपिंग आर पर्सनालिटी। इवेंट्स दैट अकर इन चाइल्डहुड कैन रिमेन इन द अनकॉन्शियस एंड कैन कॉज प्रॉब्लम्स एट एज एडल्ट्स। Now let's see. We have a person who used to see like misal le tha main ek shakhs ki, like there is a child who used to see his parents for fighting. Like ek bachcha tha wo apne dekhta tha ki uske maa baap uske samne ladte hi rehte hain. Jab aage jaake aage saalon mein wo badhta gaya, uske andar uske unconscious mein ye baat store ho gayi ki haan bhai parents jo hai wo hamesha ladte hi hain. पेरेंट्स हमेशा लड़ते हैं जिससे घर का माहौल खराब होता है। नाउ दिस थिंग इज द रूट, ये चीज उसके चाइल्डहुड में उसके दिमाग में बैठ गई, ये रूट है। नाउ व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ इट, आइदर ही इज नॉट गोइंग टू एवर मैरी और ही इज नॉट गोइंग टू लाइक पीपल ऑफ द अदर जेंडर। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग दैट कैन हैपन बिकॉज ऑफ द थिंग दैट हैपन इन हिज चाइल्डहुड, क्योंकि वो सब उसके अनकॉन्शियस में बैठ गया था। इससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी आगे जाके मुमकिन है कि हो सकते हैं, क्योंकि वो उसने ऐसी चीजें देखी, उसने वो जो फेयर है, उसने जो स्ट्रेस है वो बचपन में फील किया। ऑल बिहेवियर हैज अ कॉज, यूजुअली अनकॉन्शियस, इवन स्लिप ऑफ टंग, देयरफॉर ऑल बिहेवियर इज डिटरमाइंड। यूजुअली वी से समथिंग दैट वी डोंट मीन, बट इन रियलिटी वी डू मीन दैट। हम किसी को कह रहे होते हैं, हम किसी के बारे में किसी के कपड़ों की तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं यार तुम्हारा सूट, हम कहने वाले होते हैं कि भाई तुम्हारा सूट जो है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा। हम तारीफ करना चाह रहे थे पर हमारे मुंह से निकल गया कि अच्छा नहीं लग रहा, बाद में कहते सॉरी यार गलती से मुंह से निकल गया, वी आर सॉरी कि ये हमारे मुँह से गलती से निकल गया, हम अपने दोस्त को ये बात कहना चाह रहे हैं। हालांकि वो गलती से नहीं निकला, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि वो सूट हमें पसंद नहीं आया, इवन दो वी आर ट्राइंग टू से दैट यू आर लुकिंग गुड, बट इन आर माइंड समवेयर इन आर अनकॉन्शियस वी आर नॉट लाइकिंग दैट ड्रेस। सो अनकॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग्स कैन ट्रांसफर टू द कॉन्शियस माइंड इन द फॉर्म ऑफ पैराप्रैक्सिस, यूजुअली नोन एज फ्रॉइडियन स्लिप्स और स्लिप ऑफ टंग। द स्लिप ऑफ टंग्स वी हैव आर नॉट इंसिडेंटली, ओह सॉरी, दे आर नॉट कोइंसिडेंटली, दे आर लाइक they are on purpose. We reveal what is in our mind, to be very honest, by saying something. When we say we don't mean something, it means that there is something in our mind that wanna say it. Freud believed that slip of tongues provide an insight into the conscious mind. In the unconscious mind, we get to know about person's unconscious mind through his tongue. Like whatever he or she says, it means they are trying to showing their unconscious mind. They are literally no accidents. Whatever a person says, they do mean it. Even though they are not accepting it, but in reality, they do mean it. Personality is made up of three parts, the id, ego, and superego. Let me explain you with an example. This is the person, the green one. He's saying like, go ahead and fight. Over the shopping cart, show him who is the boss. This is the thing over here. एक इंसान है वो लड़ना चाह रहा है और वो कह रहा है कि भाई ये ट्रॉली तो है, लाइक एक ट्रॉली है, आप शॉपिंग पे जाते हैं वहां सिर्फ एक ही ट्रॉली रह जाती है, तो एक इंसान कह रहा है कि इससे पहले कोई दूसरा ले ले तुम इसको फौरन से ले लो, उठा लो इसको, और जब कोई दूसरा देखे कि आप कोई दूसरा उसको देख रहा है कि वो उठाने लगा है, तो वो कहते हैं नहीं भाई ट्रॉली मेरी है, मैं ही उठाऊंगा इसको। Now what is ego? Are you sure you want a fight over a silly shopping cart? आपकी ईगो आपको रियलाइज करा रही है कि ये जो शॉपिंग कार्ट है ये वाकई फाइट करने के काबिल है कि नहीं है, मतलब क्यों हम एक किसी से बहस करें, किसी का मूड खराब करें, या हम किसी से जो है वो बदतमीजी करें एक ट्रॉली के पीछे। फिर हम जब फैसला करते हैं कि नहीं दिस इज नॉट गुड, ये तो और फिर आप जब उस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि दिस इज नॉट गुड, ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, दिस इज कॉल्ड सुपर ईगो। दैट वर्ड फाइव सेज द ईगो डेवलप्स इन ऑर्डर टू मेडिएट बिटवीन द अनरियलिस्टिक इट एंड द एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड, इट इज द डिसीजन मेकिंग कॉम्पोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी।
The superego incorporates the value and morals of society, which are learned from one parent and other. Parts of the unconscious mind, the id and superego, are in constant conflict with the conscious part of mind, the ego. You must remember that id and superego, as I have told you, the id and superego are your unconscious. Ye dono cheeze aapke unconscious mein present hoti hain. Ego is present in the conscious mind. Aur hamesha ye dono conflict mein rehta hai. Conflict mein rehte hain. Ego aur superego jo hoti hai aur id inke beech mein conflict rehta hai. Aur jab ye conflict badh jata hai to aapke andar anxiety hoti hai. Aur ye anxiety jo hai wo phir aapke liye aage jaake trouble cause karti hai. Now, anxiety can be the conflict that you have within yourself can be removed by the following mechanism. These mechanisms are called defense mechanism. Defense mechanisms kya hote hain ki ek insaan jab apne aap ko protect karne ki koshish karta hai to ye wo cheeze aati hain yahan pe. Isme repression le le. Repression basically involve karta hai unconscious denial of existence of something. Like aap unconsciously kisi cheez ko accept nahi karte. आपका ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता. आप नहीं चाहते, आप उस चीज को भूल जाते हैं, आप उस चीज की एक्सिस्टेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करते. डिनायल यानी डिनाइंग. आप रिप्रेशन इज लाइक फ्रॉम इंटरनली यू आर नॉट एक्सेप्टिंग समथिंग, बट डिनायल यू नो देयर इज समथिंग बट यू आर ब्लॉकिंग इट. लाइक डिनायल इज एन एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल मैकेनिज्म, यू आर डिनाइंग द होल थिंग. प्रोजेक्शन. Projection means that in place of something you are attributing it to someone else. Like aap apni tamam cheeze kisi aur ke upar dalne ki koshish kar rahe hain. For example, you don't like someone, to aap keh rahe hain ki bhai wo mujhse baat nahi karti ya wo mujhse baat nahi karta, main to bilkul theek hu uske sath. This is called projection. Like you are pointing someone else, you are blaming someone else for the things you have done or doing. Displacement. What do you mean by displacement over here? Displacement is here means satisfying an impulse with a substitute object. Like the changes. आपको किसी चीज के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो आपने वो गुस्सा जो है वो किसी दूसरी चीज के ऊपर निकाल दिया. Like you are mad at someone, but गुस्सा जो है आपका वो किसी और के ऊपर आपने निकाल दिया. Regression. This is a movement back in psychological time. When one is faced with stress, regression ऐसा mechanism है जब आप किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा आप stress में होते हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में होते हैं तो आप अच्छे वक्त को याद करते हैं. आप उस वक्त को याद करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा खुश थे और आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को enjoy कर रहे थे, मौसम बहुत अच्छा था, आप अपनी पसंद की चीज़ें खा रहे थे. This is called regression. Now sublimation. Sublimation is basically a process where satisfying an impulse with a substitute object in a socially acceptable way. Like basically, you are going to do something that is acceptable in your social life. It's like do or good something. Like for example, mad at something. You are very angry. Then what are you going to do? You are going to take a pencil and paper, then you start drawing something or you start coloring. This is called sublimation. These are the defense mechanisms that are used when you have a conflict between id, ego and superego. Now the history of the psychodynamic, like how it is introduced and all. Sigmund Freud, writing between in 1890s and 1930s, developed collection of studies which have formed the basis of the psychodynamic approach. Like you can see here, a person is sitting, the therapist is sitting on a sofa, where else the person, the client is lying on the sofa. And he is saying whatever comes out of his mind to a therapist, and therapist is writing and also recording whatever the client is saying. The Freud theories are clinically derived, as I've told you before. Psychodynamic was initially further developed by Carl Jung, Alfred Adler, and Melanie Klein. These were the people who were with Freud, but later they developed their own fields and terms.
बिकॉज ये फ्रॉइड से अलग हो गए थे कुछ चीज़ों की वजह से, जिनसे फ्रॉइड से इनका इख्तलाफ था कि जिस चीज़ के ऊपर फ्रॉइड फोकस कर रहा था ये कहते थे कि लाजमी नहीं है कि वही चीज़ हो। बाय द 90s, मिड ऑफ द 1940s एंड इनटू द 1950s, द जर्नल एप्लीकेशन ऑफ द साइकोडायनेमिक थ्योरी हैड बीन वेल एस्टैब्लिश्ड। एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, हम साइकोडायनेमिक थ्योरीज को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? हम बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई हैव चोजन दीज फोर टू डिस्कस विद यू गाइज। जेंडर रोल डेवलपमेंट, साइकोडायनेमिक थ्योरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द शेपिंग वंस जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर रोल डेवलपमेंट इट मीन्स दैट हाउ वन एक्सेप्ट देमसेल्व्स इन लाइक दे वांट टू नो देमसेल्व्स, दे लाइक दे फॉर एग्जांपल लाइक आई एम अ बॉय सो आई मस्ट एक्ट लाइक अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ तो मुझे लड़कों की तरह काम करना चाहिए, मुझे लड़कों की तरह कपड़े पहनने चाहिए, और अगर मैं लड़की हूँ तो मैं मुझे लड़कियों की तरह रहना चाहिए, मुझे बाल बनाने चाहिए, मुझे चुटिया करनी चाहिए, आई मस्ट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। द डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड गर्ल, एक यहाँ पे ये आपको बताया जाता है कि आपको अपने रोल का पता चलता है कि आपका सोसाइटी में क्या रोल है, यू आर एज अ बॉय और यू आर एज अ गर्ल। ये चीज़ यहाँ पर, ये जो थ्योरी है ये इंपॉर्टेंट रोल यहाँ ऐसे प्ले करती है। प्ले थेरेपी, प्ले थेरेपी इज बेसिकली फॉर चिल्ड्रन। द साइकोडायनेमिक प्ले थेरेपिस्ट examines हाउ चिल्ड्रन फीलिंग्स लेड देम टू डिस्प्ले सर्टेन ट्रबलसम बिहेवियर दैट आर कंसिडर्ड सिम्टोमैटिक ऑफ डीपर अंडरलाइंग प्रॉब्लम। सिस्टमैटिक जो बेसिकली तरीका होता है, एक तरीका है ये जिसमें साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट जो होते हैं वो प्ले थेरेपी अप्लाई करते हैं बच्चों के ऊपर, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो काम करें यानी इनका जो बिहेवियर है, इनका जो काम करने का तरीका है, इसमें आखिर ऐसा क्या है जो ये बच्चे, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये ज़्यादा शोर मचा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे। कुछ एक बच्चे जो होते हैं उनको नहीं पता चलता कि हमें क्या करना चाहिए, या वो शोर मचा रहे होते हैं, उनको भूख लग रही होती है तो वो रोना शुरू कर देते हैं, वो बताते नहीं हमें भूख लग रही है लेकिन वो रोना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ों जो सिम्टम्स होते हैं इनके बारे में जो थेरेपिस्ट होते हैं वो डीप जाते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसा कौन सा वाकया पेश आया या ऐसे क्या बात है जिसकी वजह से ये बच्चा परेशान है। वहाँ पे इस थेरेपी में उन बच्चों को जो है वो अपने आप को रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि वो जो भी फील कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है, वो अपनी फीलिंग्स को लोगों को बता सकते हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने ऊपर वो बता सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका सेल्फ कंट्रोल, उनकी सेल्फ डायरेक्शन, ऑल दीज थिंग्स आर इन्फॉर्म टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग दिस थेरेपी। मोरल डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड मोरल डेवलपमेंट प्रोसीड्स व्हेन द इंडिविजुअल सेल्फिश डिजायर्स आर रिप्रेस्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द वैल्यूज ऑफ इम्पॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंट इन वंस लाइफ। मोरल डेवलपमेंट में आपको आपके एथिक्स, आपको बताया जाता है कि आपकी जो सेल्फिश डिजायर्स हैं, यानी सिर्फ आप नहीं हैं सोसाइटी में, आपके अलावा और भी लोग हैं, आपने वो काम करने जिससे दूसरों को नुकसान ना हो। दिस इज ऑल द मैसेज अबाउट द मोरल डेवलपमेंट जो थेरेपी में सिखाया जाता है। साइकोपैथोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी इज द अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द साइकोलॉजी। इसके अंदर जितने डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी नेचर, उनको क्या चीज़ कॉज कर रही है और उनके जो है वो क्या एक पर्सन को मोटिव करते हैं, यानी क्या ऐसी चीज़ है जो एक पर्सन को जो है वो डिसऑर्डर हो जाते हैं। साइकोपैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, देयर नेचर्स एंड कॉजेस। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, व्हाट इज साइकोपैथोलॉजी इन रियलिटी? साइकोपैथोलॉजी इज बेसिकली अ मेंटल डिसऑर्डर स्टडी विच रेफर्स टू आइदर द स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस और मेंटल डिस्ट्रेस और द मैनिफेस्टेशन ऑफ बिहेवियर। इन दिस स्टडी वी गेट टू नो व्हाई पर्सन इज बिहेविंग वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पीपल इन सर्टेन सिचुएशंस। This approach explains the dynamics of the behavior and motive of a person. It is also the root of the abnormality between and also show the effect of repression of unresolved conflicts between unconscious desires. Now, the strengths and limitations of the psychodynamic strength. It has given rise to one of the first talking cure. Psychologist एक ऐसा डॉक्टर है
जो इंसान की बातों से उसको बेहतर कर सकता है। सो साइकोडायनामिक थेरेपी इस चीज के लिए ये पहली थी जो उसने टॉकिंग क्योर को जो है वो इजाद किया था। इट कुड बी आर्ग्यू दैट फ्रॉइड वाज द फर्स्ट पर्सन टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड एंड मेंटल हेल्थ। चाइल्डहुड का आइडिया बहुत ज्यादा वास्ट है, काफी लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि ये इसमें कोई शक नहीं कि जो बचपन में होता है आगे जाके इंसान उसी इंसान की शख्सियत उसी का निचोड़ होते हैं। तो इस बारे में कहना गलत नहीं होगा कि फ्रॉइड ही वो पहला पर्सन है जिसने इसका कॉन्सेप्ट दिया। दिस थ्योरी और दिस कॉन्सेप्ट टेक्स नर्चर एंड नेचर बोथ। नेचर वो चीजें जो बाय बर्थ हमारे साथ आती हैं, हमारे इननेट बिहेवियर, नर्चर जो वो बिहेवियर जो हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। एंड फ्रॉइड क्लेम दैट द एडल्ट पर्सनालिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ इननेट ड्राइव्स, दैट इज नेचुरल मोटिवेशंस और अर्जेस वी आर बॉर्न विद, एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस दैट इज द वे वी आर रेज्ड एंड नर्चर्ड। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस, लाइक वी कैन से दिस इज लाइक क्रिटिसाइज, what can be criticized about on it, the psychodynamic, ignore meditational processes। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इंसान को यहाँ मौका नहीं दिया जा रहा कि वो खुद भी कुछ करता है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, कि इंसान की अपनी सोच नहीं होती। The psychodynamic approach places too much emphasizes on the psychological factors। यहाँ पे biological factors, genetic factors, इन सब चीजों को नहीं लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को बताया जा रहा है कि यही मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट करती हैं। फ्री विल यानी हर इंसान के पास अपनी मर्जी होती है कि वो ये करे। लाजमी नहीं अगर उसने बचपन में कोई वाकया देखा है तो आगे जाके वो भी उसी वाक्य के उसके ऊपर चले, उसको मूव ऑन करना चाहिए, उसको थोड़ा उस चीज से हट जाना चाहिए। तो यहाँ पे फ्री विल जो है, जो वो हटने की सलाहियत है, उसके ऊपर इतना ज्यादा जिक्र नहीं किया गया। वी कैन नॉट जनरलाइज रिजल्ट्स, ये केस स्टडीज, इट इज टू सब्जेक्टिव, द साइकोडायनामिक अप्रोच इज टू सब्जेक्टिव। सिंप्लीफाइंग द ह्यूमन माइंड इनटू द इड ईगो एंड सुपर ईगो एंड फाइव साइकोसेक्सुअल स्टेजेस मेक द अप्रोच रिडक्शनिस्ट। पूरी थ्योरी को इन्होंने इड ईगो, सुपर ईगो और चाइल्डहुड के स्टेजेस के ऊपर जो है, जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस है उसके ऊपर समराइज कर दिया गया है, उससे आगे बात को लेके गया नहीं जा सका। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द साइकोडायनामिक अप्रोच। सो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी अबाउट द साइकोडायनामिक अप्रोच। आई वुड रियली लाइक एंड अप्रिशिएट फॉर इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन कमेंट बिलो। और अगर आप इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको और इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकें, हम और जो है इसके बारे में बात कर सकें, और इसको और कुछ टॉपिक है किसी और चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं, सो प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू गाइज हैव अ ग्रेट टाइम विद मी ओवर हेयर एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स, एंड थैंक यू सो मच।